Hi everyone, good morning. Good morning, Kushal. Good morning, Samarth. Hi, Tanmay. Hi, Aditya. Good morning, Siddhi. Hi, Shivang. Good morning. All right, so aap logon ne homework attempt kar liya hoga. जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ में शेयर किया था हाँ हाँ बोलो पृथ्वीराज सर सर जैसे आपने कल बताया था आपने वो सेकंड मेथड में एक साइकिल क्रिएट की थी सर आपने बोला था वो किरचॉफ्स इक्वेशन से आपने किया था ना मतलब किरचॉफ्स इक्वेशन भी वहीं से आती है हाँ सर तो मुझे उसी सर जो आपने एकदम एक एन टू प्लस एच टू गिव्स एन एच थ्री वाली इक्वेशन से हमें समझाया था ना सर मुझे उसमें डाउट है बताओ बताओ क्या डाउट है सर कि आपने एन टू और एच टू को सर आप टी वन से टी टू लेके गए हाँ और जो प्रोडक्ट आता है NHT सर उसे T2 से T1 से उल्टा किया आपने अरे वो तो साइकिल क्रिएट करने की बात हुई ना जैसे मुझे N2 प्लस H2 गिविंग 2NH3 ठीक है यस सर ये रिएक्शन किसी P, T1 टेम्परेचर पे एनालाइज करना था ठीक है और इसका डेटा मुझे दिया हुआ है ठीक है यस सर और यही सेम रिएक्शन मुझे अब किसी T2 टेम्परेचर पे एनालाइज करना है ठीक है यस सर करेक्ट तो अब मैंने कैसे साइकिल क्रिएट किया साइकिल क्रिएट करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली बिकॉज आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट ठीक है वन मेथड इज लाइक गोइंग डायरेक्टली ये जो ब्लू वाला तरीका हो गया ये डायरेक्ट हो गया ठीक है और ये जो रेड वाला तरीका हो जाएगा ये इनडायरेक्ट हो जाएगा मुझे अब मैंने बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ये निकाल लिया और ये निकाल लिया अच्छा फिर हैसेस लॉ लगाएंगे हाँ ओके थैंक यू सर ऑल राइट सो एक बार आई थिंक ऑलमोस्ट सब आई गए हैं जितना आने थे बाकी जनता सो रही है तो मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ ठीक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके साथ में एसोसिएटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं ज़्यादा नहीं है उससे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा हाँ सेकेंड लॉ मतलब यू कैन से बस एक कारनॉट साइकिल वाला पार्ट बचा है तो वो कारनॉट साइकिल वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ बाकी जो सेकेंड लॉ के क्वेश्चंस हैं ठीक है उसमें एक जगह पर थर्ड लॉ का भी इस्तेमाल होगा तो वो थर्ड लॉ मैं अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि आप सेकेंड लॉ के कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह और आगे ट्राई कर पाओ ठीक है जैसे आपने अभी बुकलेट में मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे करवाए नहीं है ठीक है आपने नोटिस किया होगा कि बुकलेट में इस तरीके के क्वेश्चन है FBO FBS वाले सेक्शन में तो उसमें कैसा है रिएक्शन का डेल्टा एच डेल्टा एस एंड एंट्रोपीज की वैल्यू दी हुई है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो उनको यूज करके रिएक्शन को क्या एनालाइज करना है कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ ठीक है हाँ बस आई थिंक आज का और एक और लेक्चर में दिस शुड गेट डन द चैप्टर शुड गेट डन फिर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ठीक है ऑल राइट
सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन, जो बचा हुआ पार्ट है उसका, रिगार्डिंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बस उसका इम्प्लीकेशन हमारे लिए क्या रहेगा, उसका यूज हमारे लिए क्या रहेगा, वो हम लोग देखेंगे. यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना दैट वी वर एनालाइजिंग रिएक्शंस अंडर से सर्टेन कंडीशंस, से मे बी स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, तो उस केस में डेल्टा एच नॉट रिएक्शन हमें निकालना था. राइट, टू पुट इट वेरी सिंपली, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल. राइट, चेंज ऑफ अ क्वांटिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनिशियल इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ इफ यू रिमेंबर अगेन, वी कुड नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी. तो हम लोगों ने क्या करा, वी डिफाइंड relative values, we defined certain reference called as delta H naught formation, and uske hisab se usko humne define is tarike se kara, jo uska design tha, defining tha, wo is tarike se tha that now for any reaction jiske andar elements ho ya compounds ho, uska delta H naught reaction, theek hai, hum log is tarike se likh sakte hain. Sum of the enthalpy of formation of products multiplied by their coefficients minus sum of the enthalpy of reactants, enthalpy of formation of reactants multiplied by their coefficients. Achha, isi reaction ke liye hume, let's say delta G naught ke baare mein baat karna tha. Right? Delta G naught ke baare mein agar hume baat karna hai, to wapis se same thought process hai that delta, that is change, is always written as final minus initial, right? But अब जो ये final वाला part है और initial वाला part है, ये absolute values of Gibbs free energy तो हम नहीं निकाल सकते हैं, right? क्योंकि हम absolute value of enthalpy नहीं निकाल सकते हैं. तो वापस से what we did was we went on the same path, we defined delta G naught formation. ठीक है, Gibbs free energy of formation. Right. किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सेम थॉट प्रोसेस से, दैट एलिमेंट्स के लिए डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग स्टेट क्या होगा, व्हाट विल बी द डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग स्टेट. करेक्ट, इट विल बी असाइंड जीरो. और कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म. ठीक है, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन किया था. नाउ गिवन दोज डेफिनेशंस, यू कैन अगेन गो अहेड एंड राइट डेल्टा जी नॉट ऑफ अ रिएक्शन. डेल्टा जी नॉट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी रिटन एज summation of delta G naught formation of products minus summation of delta G naught formation of reactants and each multiplied by its respective stoichiometric coefficient. ठीक है, now अब अगर मुझे delta S naught of reaction के बारे में बात करना है, ठीक है, अगर मुझे delta S naught के बारे में बात करना है, तो वापस से delta क्या होगा, change is final minus initial. ठीक है, अब आप नोटिस करना द चेंज और देर इज अ डिफरेंस ओवर हेयर दैट आई विल नॉट नीड और आई विल नॉट डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन. मुझे ऐसा डिजाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज थर्ड लॉ अलाउज अस टू डिफाइन एब्सोल्यूट एंट्रोपीज ऑफ सब्सटेंसेस. किस तरीके से, क्या स्टेटमेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर लेता हूँ. तो बैकग्राउंड समझ में आया, व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, वी आर लुकिंग एट
primarily talking about delta S of reactions, and usme it is entropy of products minus entropy of reactants, and we don't need to define over here some standard entropy of formation. ठीक है, तो किस तरीके से थर्ड लॉ हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे आप नोटिस करना, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉ का, ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है, अगेन देर आर यू नो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑल्सो, बट दिस इज द वन विच इज द इम्पॉर्टेंट वन फॉर अस. entropy of perfect crystal, what is meant by perfect crystal, like crystal word aapko pata hi hai, that crystal word mein kaisa rehta hai, there is like a regular pattern of arrangement of atoms and molecules, and perfect meaning that there is no defect. So entropy of a perfect crystal of pure element and compound is zero at absolute zero temperature. This is the statement of the third law of thermodynamics. Now, what it is trying to say is that in this situation, ठीक है, इसको अगर मैं एक और तरीके से summarize करने की कोशिश करूं, तो this statement means that at this situation, zero Kelvin, ठीक है, absolute zero मतलब zero Kelvin. So at zero Kelvin, किसी प्योर सब्सटेंस का, ठीक है, प्योर एलिमेंट या प्योर कंपाउंड का परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल मतलब वेल डिफाइंड ऑर्डर है, ठीक है, तो इट हैज गॉट ओनली वन माइक्रोस्टेट, दैट इज वॉट इट इज थिंग, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट वन माइक्रोस्टेट, ठीक है, जो एक ये स्टेटमेंट था जो मैंने आपको शायद उस टाइम बताया था, जो कि बोल्ट्जमैन ने दिया था, एस इज इक्वल टू के बी लॉन एन, जो कि बोल्ट्जमैन ने स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में डिस्क्राइब करा था एंट्रोपी के लिए, राइट. सो करस्पॉन्डिंग टू वन माइक्रोस्टेट, ये लॉन वन आपका जीरो हो जाएगा, गिविंग दैट एंट्रोपी is zero at in these conditions for this kind of element or compound. Okay, now what it does is this helps us in defining well defined order matlab a regular pattern of arrangement. ठीक है, जैसे ये क्रिस्टल है तो ये क्रिस्टल में लाइक एटम यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, लेफ्ट है, राइट है, लाइक देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट व्हिच इज फॉलोड थ्रू आउट द क्रिस्टल. सो फॉर सच परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज जीरो at absolute zero of temperature. Now this helps us in defining, as I said, entropy of substances at higher temperatures also. किस तरीके से आप notice करना, ठीक है, मैं ये residual entropy word समझाता हूं, but आप ये example notice करना, ठीक है. So इस example में हमें एक सब्सटेंस की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है 600 केल्विन पर, ठीक है, इस सब्सटेंस की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है हमें 600 केल्विन पर, और उसके लिए हमें डेटा एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दैट 0 केल्विन से 200 केल्विन के बीच में उसका सीपी इज गिवन दिस वैल्यू, देन उस सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, ठीक है, देन उसके बाद में 200 से 300 केल्विन में उसका जो लिक्विड फॉर्म है उसका सीपी दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है 300 केल्विन पर, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, एंड देन
300 केल्विन से 600 केल्विन जो उसका गैशियस फॉर्म है उसका सीपी दिया हुआ है, ठीक है। सो गिवन ऑल दिस डेटा एंड यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन एंट्रोपी वी कैन कैलकुलेट द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड है ये हम फिगर आउट कर सकते हैं। इंटीग्रल डी क्यू बाई टी करना है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के लिए, 0 से 200, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड की हीटिंग हो रही है, फिर 200 पर ही मेल्टिंग हो रही है, फिर 200 से 300 जो लिक्विड है उसकी हीटिंग हो रही है, फिर 300 पे बॉइलिंग हो रही है, ठीक है, लिक्विड गैस बन गया, ठीक है। फिर वो जो गैस बना उसका 300 से 600 केल्विन तक हीटिंग हो रहा है। तो उन सब प्रोसेसेस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको डेल्टा एस निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आप कैलकुलेट करके दोगे मुझे। नाउ जो थर्ड लॉ है वो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हमें बताता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा यहाँ पर, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस आई विल राइट एज एंट्रोपी एट 600 केल्विन माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन, ठीक है। ये जो टी का इंटीग्रल रहेगा वो 0 केल्विन से 600 केल्विन तक हम लोग करते जाएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें थर्ड लॉ की मदद से समझ में आता है दैट अगर ये सब्सटेंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफ 0 केल्विन पर प्योर है, परफेक्ट क्रिस्टल है, तो फिर तो हम उसकी एंट्रोपी को 0 केल्विन की एंट्रोपी को 0 असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लेट से ये जो सब्सटेंस है 0 केल्विन पर इट इज नॉट फॉलोइंग द एग्जैक्ट कंडीशंस जो यहां ऊपर लिखी है, परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है, प्योर नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया उसके अंदर, देन और या फिर देर आर सम मोर देन वन पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। ये सब कहने का मतलब है देर आर मोर देन वन पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, देन उस सिचुएशन में एंट्रोपी एट 0 केल्विन को 0 नहीं असाइन करके इसको बोला जाता है रेसिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। रेसिडुअल एंट्रोपी यहाँ पे आप डेफिनेशन देखो, इफ द सिस्टम डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है, व्हाट डज इट मीन दैट मोर देन वन माइक्रोस्टेट, देन देयर मे बी और देयर मे रिमेन सम फाइनाइट एंट्रोपी एज द सिस्टम इज ब्रॉट टू वेरी लो टेम्परेचर्स, दिस इज कॉल्ड एज एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट्स कॉल्ड एज रेसिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। नाउ रेसिडुअल एंट्रोपी का कैलकुलेशन isn't something which you need to get into, वो आपको as it is data मिलेगा, ठीक है। Now, having said this, अब आप ये वाला question try करो, ठीक है। हाँ हम लोग doubts करेंगे ना, just ये थोड़ा बहुत part में फटाफट close करना चाह रहा हूँ, फिर हम लोग doubts करेंगे। तो मैंने काफी सारा हिंट दिया आपको, राइट हैंड साइड आप फिगर आउट करना शुरू करो। ये राइट हैंड साइड के लिए मैंने आपको बताया कैसे जाना है, ठीक है। डेटा आप लोगों के सामने है एंड डेटा ऐसा है कि कैल्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब दिस इज गुड डेटा। अगर आपको चाहिए तो यूज कर लो, बट आई वुड नॉट एडवाइज इट बिकॉज इसका डेटा अच्छा ही है, यू कैन वर्क विदाउट अ कैल्सी एंड गेट दीज आंसर्स, ठीक है। दिस इज वॉट यू हैव टू यूज प्राइमरीली। इसमें जो पूरा रिवीजन हो जाएगा एंट्रोपी चेंज का जो अपन ने पिछली दो क्लासेस में पढ़ा है, राइट, हम लोगों ने गैसेस के ऊपर एंट्रोपी चेंज का डिस्कशन किया, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के ऊपर एंट्रोपी चेंज का डिस्कशन किया, फेज चेंजेस के ऊपर एंट्रोपी चेंजेस का कैलकुलेशन किया, राइट। ये सब इस क्वेश्चन में कैप्चर हो जाएगा, आपका एक क्विक रिकैप हो जाएगा। फटाफट बताओ मुझे क्या रहेगा इसमें आंसर। अच्छा निकाल लिया तुमने, पूरा आंसर ही निकाल लिया, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मैं देख के बता देता हूँ,
नहीं, तुम एक एक स्टेज का बता रहे हो क्या मुझे? हाँ ठीक है, फिर निकालते जाओ। ऑल्दो आई डोंट नो एग्जैक्टली इंटरमिटेंट आंसर्स। हाँ, आसपास है क्या आपका आंसर? ऋग्वेद। लेट मी जस्ट चेक। नहीं, जूल किलो जूल में देखो आपने कुछ गड़बड़ करी है क्या? बिकॉज यूनिट्स आर एंड मैचिंग द वैल्यू इज प्रिटी क्लोज। हाँ करेक्ट, ऋग्वेद। हाँ राइट, तन्मय। सो आई होप ये समझ में आया आपको जो मैंने प्रोसेस डिस्क्राइब करा कि 0 केल्विन से 200 केल्विन हीटिंग ऑफ सॉलिड होगा, राइट? फिर 200 केल्विन पर फ्यूजन होगा, राइट? देन 200 केल्विन से 300 केल्विन लिक्विड की हीटिंग होगी, 300 केल्विन पर फेज चेंज हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है, राइट? एंड देन 300 केल्विन से 600 केल्विन गैस की हीटिंग हो रही है, राइट? एंड ये सब प्रोसेसेस आपने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है? सो ये राइट हैंड साइड की कैलकुलेशंस आर समथिंग विच यू आर एबल टू डू दोज कैलकुलेशंस, ठीक है? एंड जो सी पी है उसमें सम ऑफ देम आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दैम अप्रोप्रिएटली इन द फॉर्मूला एंड देन डूइंग द इंटीग्रेशंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर हर स्टेज का फॉर्मूला भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है ना रेसिडुअल एंट्रोपी के बारे में इन्फॉर्मेशन, सो या तो उसको मैं 0 केल्विन 0 मान के चलूँ, या फिर कुछ रेसिडुअल एंट्रोपी दिया होता तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है? तो मैंने 0 और जो भी रेसिडुअल एंट्रोपी क्वेश्चन में दी होती वो मैं सब्स्टिट्यूट करता।
सो देन आई विल गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द सिस्टम. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको कैसे करना था? ऑलराइट, नाउ अब इसकी मदद से, ठीक है, विद दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, हम लोग अब रिएक्शंस में एंट्रोपी चेंज के बारे में जब बात करेंगे, तो रादर देन यूजिंग एनी यू नो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, हम लोग यहाँ पे आप नोटिस करोगे सीधे सीधे एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ में डील कर सकते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्ट्स की मिल जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपीज रिएक्टेंट्स की मिल जाएगी, उनको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन निकाल लेंगे. ठीक है, वी डोंट नीड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऐसा कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इनफैक्ट आप क्वेश्चंस में भी देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आ रहा है. सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू हैव बीन गिवन द रिएक्शन एंड यू हैव बीन गिवन द एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्शन स्पीशीज. देखो ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. राइट, मैच कर गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे सीधे डेटा उठाना है, ये ऑप्शन से मैच कर जाएगा. कोफिशिएंट्स का यूज करना है अच्छे से एंड यू विल बी सॉर्टेड. ओके, मे बी नाउ ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इट यूजेस द फॉर्मूलाज, द ऑब्जर्वेशंस जो आज सुबह से मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, सो लास्ट हाफ एन आवर की क्विक समरी हो जाएगी इस क्वेश्चन में. सारे के सारे आंसर्स निकालो.
आंसर आने शुरू हुए आप लोगों के। पहला वाले का क्या आंसर आ रहा है? हाँ ठीक है, पहले वाले का आंसर ऋग्वेद आपका। ठीक है। अच्छा, इसमें जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं एंड क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं, ठीक है, एंड उसमें लाइक देयर इज दिस वन ऑब्जर्वेशन दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज, हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये काम मैं करता हूँ, ये काम आप नहीं कर सकते। आपको पेन पेपर चलाना है और सॉल्व करना है और एंड में आंसर मैच करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू कमिट केयरलेस मिस्टेक्स लॉट ऑफ टाइम्स एंड ओनली बाय प्रैक्टिसिंग यू विल बिकम अवेयर अबाउट देम, ठीक है। तो जो मैं करता हूँ कि हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना, आप मत करना वो, डोंट हैव दैट थॉट प्रोसेस, एंड तक आंसर लेके आके सॉल्व करना है, तभी आपको पता पड़ेगा कि सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। हाँ सत्या आपका भी करेक्ट है, नहीं पृथ्वीराज आपका फर्स्ट का करेक्ट नहीं है, देखो आपने कहाँ पे गड़बड़ कर दी। यही रहेगा ना सिंपली डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन। अब आप प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करो, H2 का 0 दिया हुआ है, CO2 प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका -94.05 है। हाँ तो कर दी ना गड़बड़। यही तो चीजें हैं, जब तक आप लोग की करते नहीं हो तब तक गलतियां करते रहोगे, और फिर ये गलतियां एग्जाम में करोगे तो यू विल रिग्रेट। इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द आंसर मैचिंग टू व्हाट इज गिवन, ठीक है, एंड तक लेके जाना है। हाँ थर्ड का ऋग्वेद आपने साइन में गड़बड़ कर दिया, वैल्यू सही है बट आपने साइन में मिस्टेक हो गया। हाँ वापस से गौरव, आपने साइन में मिस्टेक कर दिया, वैल्यू सही है, ठीक है, पहले वाले का आंसर -9.8 आएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले का सेम ही आंसर रहेगा क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है, ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा यू आर द सेम, डेल्टा जी के लिए भी आपने कैलकुलेशन कर ली, डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा -6.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, और फिर आप डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट लगाओगे तो उससे डेल्टा एस नॉट आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा एस नॉट आ जाता है -10.13, ठीक है। अब डेल्टा एस नॉट आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा एस नॉट विल बी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो आपको प्रोडक्ट्स में H2 और CO2 का दिया हुआ है एंड रिएक्टेंट्स में CO का दिया हुआ है, H2O का आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोफिशेंट सबका 1:1 है ही सही, तो उससे आप ये मिसिंग क्वेश्चन मार्क जो है वो भी निकाल लोगे। हाँ अराउंड द सेम आता है, 45 के आसपास, 45 समथिंग लिखा हुआ है, 45.13 कैल किलो, किलो नहीं कैल ही है जस्ट, हाँ नॉट किलो कैल जस्ट कैल। ठीक है।
ऑल राइट, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखना, दैट समटाइम्स, ठीक है, यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस जिनमें एंट्रोपी का डेटा नहीं दिया होगा, ठीक है। जैसे ये जो ऊपर के दो क्वेश्चन मैंने आपको करा है, इसमें तो कैसा एकदम बिल्कुल क्लीन डेटा आपको दिया हुआ है। नाउ समटाइम्स इट हैपेंस इन क्वेश्चंस दैट यू माइट नॉट बी गिवन द डेटा ऑफ एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस एंड आपको गैस वर्क करना होगा, ठीक है। यू माइट हैव टू गैस वर्क बेस्ड ऑन सर्टन सिंपल एस्पेक्ट्स कि रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सो ऐसे थोड़ा बहुत गैस वर्क कई बार करना पड़ता है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो उनमें जो एक अंडरलाइंग थीम है वो ये रहेगा दैट यू नीड टू फोकस ऑन द गैशियस स्पीशीज। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, मतलब देर इज अ नेट फॉर्मेशन ऑफ गैशियस स्पीशीज इन द रिएक्शन, देन इट इज हाईली लाइकली कि उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, ठीक है। नॉट ऑलवेज द केस, हाईली लाइकली दैट किसी रिएक्शन में अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैसेस दे रिप्रेजेंट मोर डिसऑर्डर, मोर रैंडमनेस, मोर पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। तो अगर गैसेस का नेट फॉर्मेशन हो रहा है तो इट मींस दैट एंट्रोपी बढ़ रही होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो जैसे समटाइम्स यू कम अक्रॉस क्वेश्चंस लाइक दिस दैट फॉर गैस फेज डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5 एंड आपको सीधे सीधे कॉमेंट करने को बोल दिया, you know, can you make a comment on delta H and delta S of the reaction? ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये reaction कोई बहुत ही popular सा reaction है या ये पता ही होना चाहिए आपको, ऐसा कुछ नहीं है। It's a reaction which you come across many times in your syllabus, but अब इसके बारे में आपसे पूछ लिया है कि आप इसका delta H या delta S पे comment कर सकते हो, तो अब आप कैसे comment करोगे? नहीं अमन, सबसे पहले आप यहां पे एंट्रोपी के बारे में देख लो। एंट्रोपी कैसा हो रहा है? यहां पर एक मोल ऑफ गैस से दो मोल गैस बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव है, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, यानी कि ये सी ऑप्शन रिजेक्ट कर दो और ए ऑप्शन रिजेक्ट कर दो। अब बी और डी ऑप्शन में से चूज करना है, तो डेल्टा एच के ऊपर क्या रहेगा आपका कमेंट? नाउ कपल ऑफ वेज टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये जो डीकम्पोजिशन होता है ये हीटिंग करने पे होता है। आप बोलोगे हमको नहीं पता था, तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, इतना आपने अभी पढ़ा नहीं है इस रिएक्शन के बारे में, तो इट्स ओके। बट आप कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी देख सकते हो। व्हाट आर दी अदर ऑब्जर्वेशंस? लाइक यू कैन थिंक अबाउट द बॉन्ड्स, राइट। यहां पर कैसा है, PCl5 में दो PCl के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, एक ClCl का बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। नाउ डेफिनेटली बॉन्ड एनर्जीज अलग अलग होंगी, PCl की बॉन्ड एनर्जीज अलग होंगी, ClCl की बॉन्ड एनर्जीज होंगी, बट ऐसा टिपिकली नहीं होता है कि बॉन्ड एनर्जीज आर डबल और ट्रिपल ऑफ ईच अदर।
तो अगर यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक ही फॉर्म हो रहा है, तो आई कैन बी क्वाइट अश्योर्ड, आई कैन बी सेफली सेइंग दिस दैट यहाँ पर ओवरऑल इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू द एनर्जी दैट गेट्स रिलीज अपॉन फॉर्मिंग ऑफ दीज सी एल सी एल बॉन्ड्स. तो दैट मीन्स द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक. ठीक है, तो ये आपके लिए बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको. ठीक है, लेट मी राइट वन मोर रिएक्शन फॉर यू. H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज गिविंग H2O लिक्विड. नाउ इसके डेल्टा एच एंड डेल्टा एस के साइन के ऊपर कमेंट करो. कुछ कुछ आ रहे हैं करेक्ट आंसर्स. सबसे पहले आप लोगों ने डेल्टा एस पे कमेंट कर दिया है. डेल्टा एस नेगेटिव होगा. व्हाई? बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर लाइक डेल्टा एन जी, इसका अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो -1.5 आ रहा है. राइट, मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशीज कम हो रहे हैं तो आपकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो रही है. यस, डेल्टा एस नेगेटिव होगा. ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है. ठीक है, दिस इज यूजुअली द केस. कभी गैस वर्क करना रहा तो काम आता है. व्हाट अबाउट डेल्टा एच? नाउ अगेन, अब इसमें थोड़ा आपका कॉमन नॉलेज कॉमन सेंस काम आएगा दैट दिस इज अ कंबस्शन रिएक्शन in front of you, right? And you know for a fact that typically combustion reactions are exothermic only, right? So that will help you guess the two signs. ठीक है, अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन का let me rub the answers actually. Give me just a moment. ये वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल स्किप कर दिया था, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. रीड द ऑप्शंस एंड देन टेल मी. ऑल्दो इसमें फ्लॉ है कि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी नहीं देखी जाती. ठीक है, डेल्टा जी नॉट के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी नहीं देखी जाती, डेल्टा जी के हिसाब से देखी जाती है. बट अब कुछ और है नहीं डेटा तो ठीक है, काम चलाएंगे फिर. वी कैन कॉमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी अंडर स्टैंडर्ड स्टेट देन. देखो, अपोज करना या फेवर करना कैसे डिसाइड हो रहा है. ठीक है, यहां पे डेल्टा जी विच इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस दिस हैज टू बी लेस देन जीरो.
ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, यानी कि ये टर्म मुझे नेगेटिव चाहिए। अब क्या क्या चीजें हैं जो कि इसको फेवर कर रही है नेगेटिव होने के लिए, ठीक है, वो आपको अब दिमाग लगाना है। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव चाहिए है तो राइट हैंड साइड के बारे में मैं क्या कमेंट करूंगा, ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये फेवर कर रहा होगा, ठीक है। और अगर डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो फेवर करेगा, राइट। अब यहां पर डेल्टा एच नॉट जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा एच नॉट जो है वो फेवर नहीं कर रहा, वो अपोज कर रहा है रिएक्शन को, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा एस नॉट, कैन यू सी यहां पर दिस रिएक्शन, 2 मोल ऑफ गैस से 5 मोल ऑफ गैस बन रहा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होकर इसको फेवर कर रहा है, बट डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होकर इसको अपोज कर रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आया। सर हाँ सर, बट N2O5 के बॉन्ड्स ब्रेक होके NO2 और O2 फॉर्म हो रहा है, तो सर डेल्टा एच तो नेगेटिव होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक होगा तो सिस्टम से हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ना बाहर। नहीं नहीं बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहे हैं और बॉन्ड्स फॉर्म भी हो रहे हैं ना यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या क्या ब्रेक हो रहा है, क्या क्या फॉर्म हो रहा है, वो इतना सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे, आप यहाँ पे देखोगे N2O5 का जो लोएस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, NON, ठीक है, और फिर लाइक यहाँ पर रेजोनेंस होता है, ठीक है, ये N2O5 है, और NO2 और O2 इन सब का भी आपको एक आइडिया है, राइट। NO2 में भी लाइक यहाँ पे भी ये रेजोनेंसी होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, O2 में O डबल बॉन्ड हो रहता है, तो इसमें आप अब इतना इजीली कमेंट नहीं कर पाओगे ना कि कौन से रिएक्शंस, कौन से बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं फॉर्म हो रहे हैं वो आपको दिख जाएगा, कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, बट टू कंपेयर देम इजंट एन इजी टास्क ओवर हेयर, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। ओके सर, गॉट। और आपको उस डायरेक्शन में इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको डेटा ऑलरेडी दे दिया उसका। हैड इट बीन सिंपल समथिंग लाइक अ नोन और अ वेरी कॉमन थिंग तो फिर भी मैं सोचता, राइट। जैसे कल को अगर मैं आपको ये बोलूंगा हेबर्स प्रोसेस का N2+3H2 गिविंग 2NH3, राइट, अब इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, राइट, तो इसको मैं कैसे जज करूंगा, वो मेरे लिए दिक्कत भरा काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, फिर 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है 6, तो कौन सा कम कौन सा ज़्यादा, लाइक इट इजंट क्वाइट ऑब्वियस, तो उसमें फिर गैस वर्क करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ये वाले क्वेश्चन पे कमेंट कर दो फटाफट। हाँ हाँ बस ये एक दो क्वेश्चन ही और हैं, उसके बाद हम लोग डाउट्स कर रहे हैं।
डेल्टा एच क्योंकि पॉजिटिव है ना साहिल, उस वाले क्वेश्चन में डेल्टा एच पॉजिटिव है और हमें ये रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी ये तो नेगेटिव चाहिए ना, शुड बी नेगेटिव। तो उससे आपको समझ में आया क्या फेवर कर रहा है क्या अपोज कर रहा है। हाँ अब यहाँ पे आप कमेंट करना चाहोगे तो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो दिख रहा है, यहाँ पे डेल्टा एन जी आपका नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव दिख रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट अब आप एक गेस वर्क कर सकते हो राइट, कि एंट्रोपी चेंज इन द थर्ड वुड बी हैपनिंग मोर देन द सेकेंड, मोर देन द फर्स्ट, मोर देन द सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यश विच गवर्न द एंट्रोपी चेंज इन अ प्रोसेस। हम लोग तो क्या ये गेस वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमने एंट्रोपी को कैसा रैंडमनेस से एसोसिएट किया हुआ है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर से, एंड उसमें सॉलिड लिक्विड गैस का जो कंपैरिजन में है उसमें वी अंडरस्टैंड दैट गैस में काफ़ी ज़्यादा एंट्रोपी रहती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो यूजिंग दैट एज आर क्रूड बेसिस वी आर कॉमेंटिंग। ठीक है, ऑल राइट, ये लास्ट वाला भी बस ट्राई कर लो, ये वाला क्वेश्चन के ऊपर आंसर कर दो। इसका क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है। Which of the following is correct? नहीं, सिंगल चॉइस ही है। अलग अलग आंसर आ रहेगा, कुछ बच्चों का ए है, कुछ का बी है, कुछ का सी है, कुछ का डी है, सारे आंसर आ गए। नहीं नहीं सिंगल चॉइस ही करेक्ट है बस इसमें। तन्मय आपका आंसर सही है, अमय आपका भी सही है, अमन ने भी सही दिया था पहले। राइट अमन, राइट शुभम, आपका भी सही है। बाकियों का नहीं है। मतलब आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि मतलब आंसर सी या डी ऑप्शन में से ही होगा, लाइक ए बी के बारे में तो आई विल नॉट बॉदर क्योंकि दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो मैं ए और बी के बारे में दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, अज्यूमिंग कि सामने वाले ने सही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली सी ऑप्शन।
ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे यहाँ पे आप, अब चाहिए तो एक एक ऑप्शन को एनालाइज भी कर लो। पहले वाले के केस में आप देखोगे एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू। अब एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन का रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, वन मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको डेल्टा एन जी जो है वो तो जीरो दिख रहा है। ठीक है, एक मोल गैस से एक मोल गैस बन रहा है, बट स्टिल अगर आपको कमेंट करना है, ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जाना है कि नहीं गैस तो ठीक है डेल्टा एन जी जीरो है बट मुझे कमेंट करना है, तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हो, यू कैन गो इन सम मोर डिटेल्स एसोसिएटेड विद गैसेस। यहाँ पे ओ टू डायटोमिक है, सी ओ टू ट्राइटोमिक है, तो इफ आई हैव इक्वल क्वान्टिटी ऑफ बोथ द गैसेज देर इज अ हायर चांस दैट सी ओ टू के साथ में ज्यादा डिसऑर्डर या ज्यादा रैंडमनेस एसोसिएटेड होगी। ठीक है, मोर पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, नहीं कार्बन को आपको गैशियस स्टेट में थोड़ा लेना है, कार्बन तो सॉलिड ही रहेगा ना, उसका ग्रेफाइट रहेगा फॉर्मेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आप सेकेंड रिएक्शन देखोगे तो सेकेंड रिएक्शन में जस्ट क्वांटिटी ऑफ गैस से ही कमेंट हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 मोल से 1 मोल गैस बन रहा है, तो यू कैन बी लाइक हाँ ठीक है एंट्रोपी कम हो रहा होगा, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। ठीक है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी के बारे में बात किया जा रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज कांट बी नेगेटिव एंट्रोपी के साथ में, एब्सोल्यूट वैल्यूज आर पॉजिटिव ओनली। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब आप काफी सारे क्वेश्चंस बुकलेट के आंसर कर पाओगे। ठीक है, जस्ट एक कार्नोट साइकिल वाला पार्ट बचा है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो लास्ट जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। ठीक है, एंड इनके डाउट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वाला होमवर्क डिस्कस करें, ये ऊपर वाला डिस्कस करें, इसमें मुझे बता दो FBO में। ठीक है, इन दोनों का FBO में कंबाइन कर लेता हूँ, चलो जैसे पहले करा था वैसे ही करते हैं। FBO में मुझे डाउट्स बता दो। FBO में ओके, सो 17 ऑलराइट। सेवनटीन के अलावा 16 ओके, और बताओ। बस इतना ही है, नहीं नहीं आंसर तो दिए हुए हैं, ठीक ही है। ये थोड़े से तो ट्रिकी क्वेश्चंस थे FBO के ये वाले। FBO लेवल के नहीं है उससे, मतलब काफी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस थे ये वाले।
वाला भी ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ फटाफट फटाफट, 15, 16, 17। इसमें ये 15th वाला नोटिस करो, ठीक है, इसमें यहाँ पे आप नोटिस करोगे लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। तो आपको सिस्टम तो पता पड़ेगा, सिस्टम इज मोनो एटॉमिक आइडल गैस, एंड यहाँ पर ठीक है इन वर्ड्स से आपको एक आइडिया लग जाएगा दैट दिस विल बी आइसोबेरिक रिवर्सिबल हीटिंग, राइट। अब आप अपनी कैलकुलेशंस अप्लाई करो, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे जो क्यू है वो दिया हुआ है दैट इट इज प्लस 42 जूल्स, राइट। एंड आपको यू के बारे में दे दिया है दैट इट इज 1.5 nRT, तो डेल्टा यू अगर आपको निकालना होगा तो इट विल बी 1.5 nR डेल्टा टी, राइट। एंड ये आपको दे दिया है 1.5 इंटू 1 मोल इंटू 8.314 SI यूनिट्स में अगर मैं कर रहा हूँ, और टेम्परेचर चेंज 2 का करा है तो ये जूल्स में आ जाएगा, ठीक है। और ये राइज कर रहा है मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो इससे आपको वर्क मिल जाएगा। वर्क विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू माइनस क्यू, ठीक है। एंड यहाँ से ऊपर के उससे तो ये आप राइट हैंड साइड निकालोगे और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के इक्वेट कर दोगे, राइट। अब यूनिट्स का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जूल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप SI यूनिट्स में ही ले लो, राइट। सो माइनस 10^5 पास्कल इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस मूव्ड, सो 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कर लो, इंटू एच ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जूल्स में हो जाएगा यहाँ राइट हैंड साइड पर, शुड बी इक्वल टू ये सब जो डेटा इन जूल्स है, तो इससे आपका एच इन मीटर्स आ जाएगा, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। आंसर नहीं मैच करा होगा बिकॉज ऑफ दीज यूनिट्स होंगी, ठीक है। देन 16th, 16th इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो हिंट है क्वेश्चन की वो इतनी क्लियरली नहीं आती है, सो यहाँ पे सिस्टम जो है दैट इज आर आइडियल गैस, ठीक है, दिस इज आर सिस्टम। प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर, तो व्हेन यू रीच द और व्हेन यू रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल इज मैचिंग ऑल द टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज अब आपको दो हिंट दे रहा है, ठीक है, इट कैन गिव यू अ हिंट दैट इज इट आइसोबेरिक, ठीक है, इज इट आइसोबेरिक, ये एक हिंट दे रहा है, और दूसरी हिंट ये दे रहा है कि ये रिवर्सिबल के लिए भी ट्रू है ना, लाइक सिस्टम सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जब आप आगे का लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन रीड करोगे, ठीक है, दैट पिस्टन इनिशियली होल्ड्स बैक फलाना फलाना एंड इट इज बीइंग पुश्ड फर्दर 2 liters एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मींस लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि आइसोथर्मल भी है, राइट। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आइसोबेरिक लूँ कि आइसोथर्मल लूँ, ठीक है। एंड ऑनेस्टली इतना लाइक एविडेंट नहीं है बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन वेदर आई शुड टेक दिस आइसोबेरिक और आइसोथर्मल, ठीक है। बट द थिंग इज दैट व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस अज्यूमिंग आइसोबेरिक तो आप अटक जाते हो या आपका आंसर मैच नहीं करता है, एंड आइसोथर्मल से आप जब करते हो तो आंसर मैच करता है।
ठीक है, सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्वेश्चन, कि ये जो पी इंटरनल पी एक्सटर्नल एट ऑड टाइम्स मैचिंग लिखा हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, नॉट आइसोबेरिक. ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन तो आसान रहेगी. वर्क इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉन वी टू बाई वी वन, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, नहीं इनफैक्ट इसमें तो कुछ कुछ और भी डिटेल्स हैं छुपी हुई. क्या क्या डिटेल्स छुपी हुई हैं? आफ्टर एग्जैक्टली हाफ द वर्क इज डन, हाउ मच हैज द पिस्टन ट्रेवल्ड आउट? ओके ओके, 1 लीटर से फर्दर 2 लीटर्स, बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में. इसके क्वेश्चन में एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है. तो यहाँ पर इनिशियल मोल्स 1 है, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, एंड फाइनली जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर्स है. ठीक है, पुश्ड आउट अ फर्दर 2 लीटर. ठीक है, यानी कि 1 + 2 दैट इज 3 लीटर इज द फाइनल वॉल्यूम, राइट. तो अब आपसे बोला जा रहा है कि मैं कहीं बीच में, लाइक ये इनिशियल था, ये फाइनल है, और मुझे जो टोटल वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क टोटल वो आ जाएगा माइनस एन आर टी लॉन वी टू बाई वी वन से, बट आई एम गोइंग नॉट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, आई एम गोइंग टू सम इंटरमीडिएट स्टेट. ठीक है, इंटरमीडिएट की स्पेलिंग क्या होगी? आई डोंट नो, कुछ तो गलत लग रही है, कुछ डबल एम आता है क्या इंटरमीडिएट में? एम ई डी आई ए टी, हाँ सही है. ठीक है, तो हमें कहीं इंटरमीडिएट पे जाना है, सच दैट दैट वर्क दिस पार्शियल, जो ये वर्क करेंगे हम लोग, इट इज हाफ ऑफ द टोटल वर्क. तो आप निकाल लो यहाँ पे माइनस एन आर टी लॉन वी अपॉन वी इनिशियल शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, माइनस साइन यहाँ लिखते थे, एन आर टी लॉन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, राइट. तो ये एन आर टी सब कट जाएगा, ये हाफ पावर में चला जाएगा, जो वी आ जाएगा ये आपका रूट 3 लीटर्स. और फिर अब आपको डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी विल बी रूट 3 - 1, एंड दिस विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट मूव्ड. ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और हाइट आपको निकालना है, यूनिट्स का ध्यान देना, ये रूट 3 - 1 × 10³ सेंटीमीटर में कर लो. ठीक है, सेंटीमीटर में अगर आप करना है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर ये आपका एरिया हो जाएगा, और उससे आपका हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा. ठीक है, देन 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन इज ऑल्सो, इसमें वापस से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. ठीक है, दैट इक्वलाइज्ड प्रेशर वर्ड सुन के आपको शायद लगेगा आइसोबेरिक है, एंड ये एट 37 डिग्री गेट सुन के लगेगा कि आइसोथर्मल है. टर्न्स आउट दिस इज द करेक्ट, दिस इजंट. तो आइसोथर्मल के हिसाब से कैलकुलेशन करना. ठीक है, एंड इसमें रिवर्सिबल तो खैर दिया हुआ ही है. अब मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आइसोथर्मल का फॉर्मूला अप्लाई करके गेट द आंसर. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन इन द एफबीओ? हाँ नहीं, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं दिए थे,
16, 17 ये कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, बट मैंने अभी दे दिए क्वेश्चंस क्योंकि ये इतने लाइक अच्छे नहीं है. मतलब दे काइंड ऑफ टेक अवे दैट कॉन्फिडेंस पार्ट, दैट लाइक यार हमें कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि इनका लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है. लाइक दे आर अ बिट कंफ्यूजिंग फ्रॉम द इंग्लिश पर्सपेक्टिव. जनरली एग्जाम्स में ऐसे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते वो, मतलब क्लियरली इस्टेब्लिश कर देते हैं क्या प्रोसेस रहेगा. ऑल राइट, चलो फिर FBS में बता दो. FBO के हो गए तो FBS में एनी क्वेश्चंस? ओके 26th वन, चलो ठीक है 26th वाला देख लेते हैं. अच्छा 26 तो बस दिखने में डरावना क्वेश्चन है, अदरवाइज इट इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ करना ही नहीं है. दिखने में लगेगा कि शायद थोड़ा ज्यादा मेहनत हो रही है, बट आप नोटिस करोगे दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा एस एज पर द फॉर्मूला दैट यू अंडरस्टैंड इंटीग्रल डीक्यू. लाइक ये दिस इज इंटीग्रल डी क्यू बाई टी विच इज वॉट योर डेल्टा एस इज. नाउ एस इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है, राइट, ये साइक्लिक हो गया ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज वी आर रिटर्निंग टू द इनिशियल स्टेट ओनली. और अगर आपको एक एक करके सारा कैलकुलेट करना है तो आप वो भी कर लो, मतलब आप इन सब का डेटा, मतलब अरे सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है वो भी कर सकते हो, ए ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, और फिर आपको ये रिलेशनशिप भी पता होने चाहिए पी वी के बीच में. लाइक आइसोथर्मल है तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू होता है, एडियाबैटिक है तो पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा, एंड वो सब आप पूरी मेहनत भी करके अगर करोगे एक एक को ऐड करके तो भी आंसर आपका जीरो ही आएगा, ठीक है. ऑलराइट, गेट इक्विप्ड टू एडवांस में, एनी डाउट्स? थर्टींथ में, ओके. और बताओ, क्या हुआ तुम लोगों के डाउट्स कैसे नहीं आ रहे? 23 में, अच्छा FBS का तुम कह रहे हो 58-59 पिछली बार रह गया था. हाँ 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 आई रिमेम्बर, करेक्ट करेक्ट, कर देता हूँ वो भी, मैं कर देता हूँ FBS का 58-59 भी कर देते हैं, ठीक है. मैं इनफैक्ट कर ही देता हूँ वरना फिर से स्किप हो जाएगा. 58th वाला तो कैसा है ना, 58th वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन इतना क्लियरली चीजें डिस्क्राइब नहीं करता, इसमें ना थोड़ा सा कैची है. कैसा, यहाँ पर आप नोटिस करना, हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो ये है CuSO4 सॉलिड फॉर्मिंग CuSO4 एक्वस, ठीक है, और यू कुड हैव आल्सो रिटन Cu2+ aqueous + SO4 2- aqueous, ठीक है, बट वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट ही कर देगा दिखने में चीजों को, तो मैं भी सिंपल ही रखता हूँ, ठीक है. दिस इज व्हाट हीट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, -15.9 किलो कैल. देन ये जो दिया हुआ है
दैट हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ CuSO4.5H2O, तो ये आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसका क्रिस्टल रखा हुआ है। अब इसको आप हीट अप करोगे, सॉरी हीट अप क्या कर रहा हूँ, इसको आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो वापस से CuSO4 एक्वस ही बन जाएगा और ये डेल्टा एच आपको दिया हुआ है +2.8 किलो कैलोरी। और जो पूछा है आपसे, ठीक है, जो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा है, दिस इज CuSO4 सॉलिड फॉर्मिंग CuSO4.5H2O, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन में डाल रहे हो इसको, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, लाइक इसको आप अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो इट इज समथिंग लाइक कि आपने ये एनहाइड्रस CuSO4 लिया, ठीक है, पीटर डिश में, और उसको इसमें डाल दिया, ठीक है, दिस वाज एनहाइड्रस CuSO4। अगर ये इसको विजुअलाइज करना है इस रिएक्शन को, तो इसमें भी कैसा है, इसमें भी आपने ये हाइड्रेटेड CuSO4 लिया, मतलब ये आपने एटमॉस्फेयर में रहने दिया सो एज टू कैप्चर H2O वेपर्स, एंड फिर उसके बाद में आपने इसको सोल्यूशन में डाला, लाइक सोल्यूशन बनाया इसका। ये क्या क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला जो है इसका विजुअलाइजेशन कैसा है कि ये ऐसे CuSO4 जो है इसने लाइक मॉइस्चर कैप्चर करा एंड इट बिकेम हाइड्रेटेड, इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है। ये अभी भी सॉलिड फॉर्म में ही रिटेन्ड है, ठीक है, ये तो जब आप एक्सेसिव पानी में डालोगे इनको तो फिर ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये जो 5H2 है ये कोई फर्क नहीं लेके आएगा ना, इन द सेंस कि राइट हैंड साइड पे तो खूब सारा पानी है इसी, तो ये पानी के साथ में पानी चला जाएगा, इट डजंट मैटर। ठीक है, बाकी 59 में तो मतलब सिंपल फॉर्मूला ही लगाना है आपको। 59 में लाइक यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो अपन लगाते आ रहे हैं, द डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, इट विल बी -57.1 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है, जो भी वीकर कॉम्पोनेंट है बेसिकली उसका। हाँ, आपको शायद ये तो बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा NH4OH का, बट ये HF का डेटा वुड नॉट बी मेकिंग सेंस फॉर यू, ठीक है, तो इसमें द थिंग इज दैट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक रोल रहता है, जिसकी वजह से ये डेटा इतना अजीब सा आ रहा है, इतना एंडोथर्मिक आ रहा है, दैट इज द रीजन बिहाइंड द डेटा बीइंग इन दिस वे। सो आपको वो सब इन्वेस्टिगेट नहीं करना, यू जस्ट नीड टू यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, दैट्स इट, ठीक है, ऑलराइट, देन अब गेट इक्विप टू एडवांस में 13 क्वेश्चन, गेट इक्विप टू एडवांस्ड का 13th. Alright. इसमें आपको कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा जी
ठीक है, मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, लाइक ये रहता है ना, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मैं डेल्टा अप्लाई कर रहा हूं, तो इस तरीके से मैं डेल्टा जी लिख सकता हूं। अब आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच क्या रहेगा, एन सी पी डेल्टा टी, एंड डेल्टा एस क्या रहेगा, एन आर लॉन वी टू बाय वी वन, है ना, ये अपन ने पढ़े हुए ना, तो उनको अप्लाई कर दो यहाँ पर, या एन आर लॉन वी टू बाय वी वन नहीं करना तो पी वन बाय पी टू, उसको अप्लाई कर दो और कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देन 15th क्वेश्चन, ओके, 15th कहाँ, वो जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसमें एटॉमिसिटी से रिलेट करना, ये तो अपन ने उस टाइम पढ़ा था ना, दैट यू इज इक्वल टू एफ इंटू वन बाय टू आर टी, तो ये एफ क्या था, दिस एफ वॉज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, एंड इसके बारे में हम लोगों ने कैसा पढ़ा था, दैट दिस विल बी इक्वल टू 3, 5, 6, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द टाइप ऑफ गैस दैट इज देयर, तो मोनो अटोमिक के लिए, डाई अटोमिक के लिए, पॉली अटोमिक नॉन लीनियर के लिए, तो यहाँ पर इट इज दी ओजोन गैस जिसके लिए पॉली अटोमिक नॉन लीनियर एप्लीकेबल रहेगा, देन 23rd क्वेश्चन, ये तो क्लास नोट्स में कराया ना मैंने, दिस वॉज समथिंग विच वी डिस्कस इन द क्लास नोट्स, यहाँ पे डेल्टा ई से पहले डेल्टा एच निकालो ना, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट, तो यहाँ पर ये -3 × 10³ प्लस यहाँ पे डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का -1 है, इंटू कैलोरीज में कर रहे हैं तो आर का वैल्यू 2 लेने का, एंड टेम्परेचर 300 है, उससे आप डेल्टा एच निकालो और फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अप्लाई करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन गेट इक्विप्ड टू एडवांस के सेक्शन में से, ठीक है, ये एडवांस लेवल में से बता दो, एडवांस लेवल में 7th का 3rd and 18th, ओके, फटाफट देख लेते हैं, एडवांस लेवल में 7th का 3rd में दिशा आपका प्री एक्सपेंशन हो गया ना, ठीक है, प्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज प्री, प्री का मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट वैक्यूम, तो मतलब पी एक्सटर्नल जीरो है, पी एक्सटर्नल जीरो है मतलब वर्क जीरो है, ठीक है, और आइसोथर्मल बोला जा रहा है मतलब डेल्टा यू जीरो है, और इन दोनों से हमें क्या समझ में आ जाएगा कि डेल्टा यू जीरो है, वर्क भी जीरो है, तो क्यू भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो अब आपको जो डेल्टा एस का फॉर्मूला रहा, डेल्टा एस गैस विल बी जस्ट सिंपली एन आर लॉन वी टू बाय वी वन, है ना, एंड डेल्टा एस सराउंडिंग वॉज माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, ठीक है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रहने वाला है, जो फ्री एक्सपेंशन होगा वो सडनली होगा ना, लाइक ऐसा थोड़ा होगा सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो मैं इसकी वजह से ये डेल्टा एस सराउंडिंग का ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा एंड ये जीरो लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि क्यू सिस्टम जो है ये एडियाबैटिक भी रहेगा,
these two things, they imply that Q is also zero. तो आपका डेल्टा एस यूनिवर्स जो रहेगा वो डेल्टा एस सिस्टम के बराबर ही रहेगा. समझ में आया? ओके. देन 18th क्वेश्चन. 18th. अच्छा, ये तो फर्स्ट लॉ के टाइम का ही है. मतलब इसमें यहाँ पे नोटिस करना, आइडल गैस अंडरगोज अ सिंगल स्टेज एक्सपेंशन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट अपोजिंग प्रेशर. व्हाट इज द लार्जेस्ट मास दैट कैन बी लिफ्टेड, राइट? सो ये लार्जेस्ट मास दैट कैन बी लिफ्टेड, दिस इज लाइक द वर्क गेटिंग डन, राइट? पीवी वर्क यूज्ड टू लिफ्ट द मास, ठीक है. एंड यहां पर जो पी एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हो रहा है, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू पी फाइनल, राइट? तो अगर मुझे यहां पर लार्जेस्ट मास बोला जा रहा है, ठीक है, लार्जेस्ट कितना लिफ्ट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन ले लूंगा that p external is equal to p final, okay, for the largest mass to be lifted, okay. And यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि टेम्परेचर अनचेंज्ड है, मतलब टेम्परेचर ये आइसोथर्मल हो गया, right? By looking at this data. और सिंगल स्टेज एक्सपेंशन कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर बोला जा रहा है, मतलब ये इरिवर्सिबल हो गया, है ना? तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, व्हिच इज माइनस पी टू वी टू माइनस वी वन, राइट? एंड दिस शुड बी इक्वल टू MGH, ठीक है, mod value should be equal to MGH. तो इससे आपका largest mass which can be lifted through height h वो आ जाएगा. ठीक है, अब B part में आप ऑपोजिट तरीके से सोचोगे, सिंगल स्टेज कंप्रेशन करना है, ठीक है. सो वापस से आइसोथर्मल, ये फर्स्ट पार्ट में आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन था, अब यहां पर इन द सेकंड पार्ट इट विल बी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन, राइट? और कंप्रेशन में जो वापस से पी फाइनल जो रहेगा, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, पी एक्सटर्नल जो है रहेगा, हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी फाइनल, राइट? एंड यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट मास बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट मास लिफ्ट करना है, सॉरी, कंप्रेस करना है. तो स्मॉलेस्ट मास के लिए क्या लिमिटिंग कंडीशन ले लोगे आप? दैट पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी फाइनल. एंड उससे अब आप कैलकुलेशन करोगे सेम लाइंस पे, ठीक है. मैं एंड तक नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा हाउ वी आर प्रोसीडिंग. एंड फिर थर्ड पार्ट में दोनों मास का डिफरेंस ले लो. समझ में आया तन्मय? ऑल राइट, ठीक है. तो आई थिंक आज का डिस्कशन यहीं तक हो पाया. अब आप बुकलेट के जो भी FBO FBS के बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने पढ़ाया है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कार्नोट साइकिल, सब ट्राई कर सकते हो.
एंड डीपीपीज के लिए हम लोग फिर एक और सेशन कभी निकालते हैं डिस्कशन करने के लिए। क्या कह रहे हो अमन, लेक्चर 10 तक है? क्या चीज लेक्चर 10 तक है? अच्छा, आज का लेक्चर 10 o'clock तक है, इज दैट द केस? एक तो ये तो हर हफ्ते चेंज हो जाती है चीजें। ओ हाँ, राइट राइट राइट, फिर तो ठीक है, फिर तो हम लोग आगे का पढ़ लेते हैं। एक तो किसी बैच में 1.5 hour का है, किसी में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हाँ नहीं ठीक है, फिर तो और डाउट बता दो, डीपीपीस के डाउट भी ले लेते हैं फिर तो, क्या है? अच्छा है। ऑल राइट, तो कौन से डीपीपी के डाउट बताओगे सबसे पहले? क्या पूछ रहे हो तुमने, जे एडवांस में कभी ऐसा हुआ है क्या? दैट करेक्ट आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं हो या फिर क्वेश्चन गलत हो? हाँ हाँ, मतलब एडवांस में मतलब कमी होता है ऐसा, बट देयर हैव बीन एन ओकेजन हियर एंड देयर, मतलब हुआ है बट बहुत कम चांस रहता है। ऑल राइट, सो डीपीपीज हमारी यही थी या इसके अलावा भी कुछ डीपीपीज पुरानी पेंडिंग है? हाँ बोनस हुए ना क्वेश्चन पहले, हुए हैं बोनस। हमारा कोई पुराना डीपीपी बचा हुआ है क्या? इफ नॉट तो फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। DPP 52 में बताओ क्या क्या क्वेश्चंस हैं। DPP 52 में एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 4, ओके। एनी अदर क्वेश्चन इन डीपीपी 52? ठीक है, सो डीपीपी 52 में क्वेश्चन नंबर 4, ओके, इसमें कहाँ अटक गए तुम्हें? एस्टिमेट डेल्टा एच रिएक्शन एंड सब गैसियस स्पीशीज ही हैं और सब बॉन्ड एनर्जी डेटा दिया हुआ है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 mole ऑफ एच फॉर्मिंग फ्रॉम मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म। तो दिस इज एक्चुअली, यू कैन सी दिस इज हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक होने की एनर्जी दी हुई है। तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, और फिर उसको आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका आंसर मैच करेगा। समझ में आया तुम्हें? ओके, देन डीपीपी 53 में एनी डाउट्स? डीपीपी 53 आप लोगों ने ट्राई किया हो तो
ठीक है, डीपीपी 53 में एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? डीपीपी 55 में या तो मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि सारे डाउट्स आपके सॉर्टेड हैं, आपको कुछ डाउट आ ही नहीं रहे, या ऐसा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं रहे हो, डाउट्स ही नहीं आ रहे। विच ऑफ द टू इज द केस? हमेशा दोनों का मिक्स ही होता है, बट एटलीस्ट बुकलेट तो सॉल्व कर रहे हो ना। डीपीपी तो चलो ठीक है, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए है डीपीपी, अगर प्रायोरिटाइज नहीं भी कर पाए तो ठीक है, बुकलेट को डीप्रायोरिटाइज मत करना। बुकलेट कवर्स एन एम्पल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। डीपीपी तो क्या, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को बुकलेट करके हो गया है तो। ठीक है, और कोई डीपीपी पुराना कोई पार्ट जिसका डिस्कशन नहीं हुआ हो? एनी अदर एस्पेक्ट विच वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू डिस्कस? या फिर मैं कार्नोट साइकिल पढ़ा ही दूं क्या आप लोगों को? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ बस मुझे वही है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चले गए हैं यही सोच के डाउट्स हो रहे हैं, तो फिर बेचारे वो बिटरेट फील करेंगे कि अरे सर डाउट्स बोल के आपने थ्योरी पढ़ा दी। कोई नहीं, हाँ क्या कह रहे हो यश? इन अ रिएक्शन इफ द नंबर ऑफ मोल्स इज इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्ट साइड व्हाट विल बी द चेंज इन एस? वो तो हमने डिस्कस किया ना, मतलब अगर गैशियस स्पीशीज बढ़ रही हैं तो हम लोग एंट्रोपी चेंज को पॉजिटिव बोल देंगे। ठीक है, सॉलिड के केस में जज करना मुश्किल रहेगा, मतलब दैट विल बी अ बिट चैलेंजिंग। अच्छा चलो, ये वाला मैट्रिक्स मैच का आंसर कर दो। लेट्स यूटिलाइज सम टाइम, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अभी तक होमवर्क में दिए नहीं है मैंने आपको ये, बट व्हाट विल बी द आंसर टू दिस? थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा, मतलब दे आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल्स।
इसमें ये देख के समझ में तो आता है ना, पार्शियल डेरिवेटिव आपने पहले देखा हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि पहली बार देख रहे हो। ये जो ए ऑप्शन है, दिस इज यू कैन से डेफिनेशन, और यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी हम लोग ये निकालते हैं, राइट? करेक्ट, दिस विल बी मैचिंग विद क्यू, राइट? कैसे? ये आप देखते हो ना, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी टी टी, मतलब इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है? और अगर मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर देता हूँ, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ये वर्क जीरो रहेगा, राइट? तो डी यू किसके बराबर हो जाएगा, एन सी वी डी टी के बराबर, राइट? तो डी यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू सी वी, राइट? सिमिलरली यहां पर अब आप नोटिस करोगे, दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन, ये हमने डिस्कस किया था, दैट डी एच इज हीट एक्सचेंज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशंस, एन सी पी डी टी, राइट? तो इससे आपका ये पी मैच करेगा। अच्छा, सी और डी के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लाइक इन द सेंस दिस वाज समथिंग जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये हम लोगों ने जो एक डेरिवेशन किया था ना, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, दिस वाज डिराइव्ड इन क्लास, वो इस्तेमाल होगा कल, मतलब हाँ इनफैक्ट कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आफ्टर कपल ऑफ स्टेप्स हम लोग इस पे आए थे। तो इससे अब आप देखोगे तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ये टर्म चला जाएगा, तो डी जी बाय डी टी क्या हो जाएगा, माइनस एस, राइट? और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो फिर ये वाला टर्म चला जाएगा, तो डी जी बाई डी पी क्या हो जाएगा, इक्वल टू वी, ठीक है? समझ में आया वाला? अच्छा, देन ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये वाला मैट्रिक्स मैच बता दो, इसमें मोर देन वन मैपिंग है, मतलब वन ऑप्शन कैन मैप मल्टीपल ऑन द राइट हैंड साइड,
सो इसमें इफ यू रिमेम्बर दिस दैट डेल्टा एस यूनिवर्स इज अ जनरल कंडीशन, ठीक है, मतलब इट्स अ जनरल यू कैन से रिजल्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. सो व्हाट शुड आई से, ये अपन ने उस टाइम पे देखा भी था दैट फॉर एनी प्रोसेस अंडर एनी कंडीशन, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी इंप्लाइज डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है. एंड फॉर एनी प्रोसेस, बी इट अ केमिकल रिएक्शन और एनीथिंग एल्स, फॉर एनी प्रोसेस अंडर कॉन्स्टेंट पी कॉमा टी कंडीशन, हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया था. क्या सिंप्लीफाई कर लिया था? दैट स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट वी कम अक्रॉस, कैन बी रिटन एज डेल्टा जी सिस्टम टू बी लेस देन जीरो, राइट. तो अब इससे अब आप मैपिंग करो दैट ए मतलब क्या रहेगा, पी डेल्टा जी जीरो है मतलब प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू यूजफुल वर्क, ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी जीरो है. डेल्टा जी तो है अवेलेबल वर्क, यूजफुल वर्क, ठीक है. देन यहां पर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मतलब क्या हो गया, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो. डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, दैट मीन्स द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है. नाउ इज इट गोइंग टू बी एबल टू डू एनी यूजफुल वर्क? द आंसर इज नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू एनी यूजफुल वर्क बिकॉज प्रोसेस ही नॉन स्पॉन्टेनियस है. ओके, व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? सी ऑप्शन इज डेल्टा इज यूनिवर्स लेस देन जीरो. अच्छा, ओके, सॉरी, एक मिनट, माय बैड माय बैड. डी ऑप्शन में डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस है. हाँ, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया ना, एंड इट विल बी एबल टू डू यूजफुल वर्क. सी ऑप्शन में क्या रहेगा? सी ऑप्शन में डेल्टा एस यूनिवर्स इज लेस देन जीरो. लेस देन जीरो मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अरे यार, बी ऑप्शन में डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस एंड इट विल बी एबल टू डू यूजफुल वर्क, तो एस ऑप्शन नहीं रखेंगे. सी ऑप्शन में ठीक है, हाँ, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इट विल नॉट बी एबल टू डू एनी यूजफुल वर्क, ठीक है. डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो वापस से ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया एंड इट विल नॉट बी एबल टू डू एनी यूजफुल वर्क. हाँ, अभी ठीक है, दिस इज द आंसर. ठीक है, सो एक्चुअली अब तो क्या है कि फिर भी जेई एडवांस ने थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चंस को रिलैक्स कर दिया है, क्योंकि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस आते थे तो उसमें क्या होता था, लाइक यू वरंट गिवन एनी ऑप्शंस, लाइक आपको एग्जैक्टली मैप करना होता था, ए किससे मैप हो रहा है, बी किससे मैप हो रहा है, और मोर देन वन मैपिंग होती थी. बट अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में जेई ने थोड़ा फॉर्मेट चेंज करा है एंड वो अगर ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उसमें फिर क्या वो नीचे ऑप्शंस दे देते हैं कि कौन सा किससे मैच कर रहा है.
तो उससे थोड़ा हेल्प मिल जाता है। एकदम एक्यूरेट नहीं भी हुए तो भी ऑप्शन से आप कर सकते हो आंसर। ठीक है। एस, ये ए ऑप्शन में एस इसलिए रहेगा ना क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है। डेल्टा जी इज द मेजर ऑफ फ्री और यू कैन से अवेलेबल एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क। अगर डेल्टा जी जीरो है मतलब सिस्टम कोई यूजफुल वर्क नहीं कर पाएगा ना, दैट्स व्हाई इसमें मैंने एस ऑप्शन डाला है। ठीक है। एंड सी एंड डी में भी मतलब ऐसा है दैट क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है सी एंड डी, तो उस केस में भी लाइक सिस्टम विल नॉट बी एबल टू डू यूजफुल वर्क। सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा सो एज टू मेक द प्रोसेस हैपन। ठीक है। अच्छा देन ये तन्मय क्वेश्चन बोल रहा है बहुत देर से। क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ गेट इक्विप्ड, ये वाला, इसमें कहाँ अटक गया? यू गॉट बी एंड द आंसर गिवन इज समथिंग एल्स, क्या? तो अंतर कहाँ पे? अंतर तो सिर्फ इसी में, लास्ट वाले टर्म में। तो इसमें आपको बस ये देखना है ना दैट लाइक यू नीड एवरीथिंग टू बी इन द गैशियस फॉर्म। यहां पर ये H2O गैस दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पर डेटा H2O लिक्विड का दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। तो उससे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O वेपराइजेशन, हाँ तो ठीक है ना, वो आप निकाल सकते हो ना, मतलब H2O लिक्विड से H2O गैस है। ठीक है। और ये बॉइलिंग पॉइंट पर ही हो रहा है एट T1, दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका डेल्टा H, डेल्टा जी जीरो रहेगा, डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर रहेगा, राइट? सो दिस विल बी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू T1 इंटू X1, है ना? तो यहाँ पर जो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस है वो हो जाएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड प्लस T1 टाइम्स X1, राइट? और ये आपको कितना दिया हुआ है, ये X2 दिया हुआ है, X2 प्लस T1 टाइम्स X1। अब इसको आप क्वेश्चन में यूज कर लो, समझ में आ गया? ऑलराइट, ठीक है। सो आप लोग ट्राई करो और क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करके केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट देन, चलो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।